मैं हूं अब्दुल काबिस खान और मध्य प्रदेश के विधानसभा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं। यकीनन तौर पर आज सुबह तड़के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। सिवनी जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, आनंद पंजवानी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें इस बार भरोसा दिलाया गया है। यकीनन तौर पर आनंद पंजवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पे। बहुत बहुत धन्यवाद कबीर जी। आनंद, आपके सामने जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर पर अनुभवी हैं, पूर्व विधायक हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? जो पूर्व विधायक की बात आपने कही है तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जो सम्माननीय सिवनी के पूर्व विधायक हैं उनको सिवनी की जनता तो छोड़िए, उनकी पार्टी के लोगों ने ही निकाल दिए, लोग ही उनके साथ नहीं। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विधानसभा में बीजेपी के लोग निकल निकल के उनके खिलाफ लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं जिताना है। तो जिसके साथ पार्टी के लोग नहीं हैं, जनता को जिन्होंने छला, तो मेरा स्पष्ट से आरोप है जो आदमी यहाँ पर काम करने आया था, विकास करने आया था, लोगों को बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाने आया था, बड़े विकास की बातें की गई यहाँ पर, बड़े सपने दिखाए गए युवाओं को, महिलाओं को, सुरक्षा की बात की गई, बुजुर्गों के सम्मान की बात की गई, लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ व्यापारी थे और व्यापार करने आए थे। स्पष्ट रूप से हमारे को व्यापार से और व्यापारी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनने अवैध तरीके से शराब के काम को संरक्षण दिया पूरे सिवनी जिले के हर चौक चौराहे, पान ठेले, हर मोहल्ले, हर गली, हर वार्ड, हर बूथ पे मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो संरक्षण उनका प्राप्त है, इसका हमारा दुख है इस बात का, और इस बात को सिवनी की जनता पूरी तरीके से पहचान गई है। और सिवनी की जनता नहीं, सारे लोग ये चाहते हैं कि अब इस व्यक्ति को वापस कर भेजना है, इनकी विदाई तय है। यकीनन तौर पर आपको मौका दिया है, यूथ कांग्रेस में मुश्किल से 2-4 लोग ही हैं जो मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट में जिनके नाम आए हैं, इतनी कम उम्र में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा पाएंगे और पिछली जो गतिविधियां हैं आपकी उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जिम्मेदारी हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व है और हम सभी के नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, उनका विश्वास है और मेरे जितना उन्होंने कार्य को देखा, पूर्व में हमने जितना कार्य किया है उसको उन्होंने पहचाना। सिवनी के जितने कांग्रेस के वरिष्ठ हैं उनका मुझे ढेर सारा आशीर्वाद मिला है, सिवनी की जनता ने प्यार दिया है और हम पूरी तरीके से एकजुट हैं। और इसको ये मान के चलिए कि जो यूथ कांग्रेस है, अभी आप देखेंगे कि एक बदलाव का दौर है, हमारे युवाओं ने सिवनी नगर पालिका में, जनपद में, जिला पंचायत में बड़े ऐतिहासिक खंभे गाड़े, बड़े बड़े लोगों को उखाड़ के फेंका है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम इस बात को मानते हैं कि सारे वर्गों को, सारे चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे यूथ हो, चाहे महिलाएं हो, सबको अपना एक वो अधिकार मिलता है। लेकिन कमलनाथ जी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने हम पर विश्वास जताया और ये मान के चलिए कि ये जो सिवनी के यूथ कांग्रेस के हमारे सभी साथी हैं, ये उखाड़ के फेंकने वाले हैं सिवनी के जो पूर्व विधायक हैं उनको। यकीनन तौर पर पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो 20 से 25 हज़ार के लगभग वोटों से हार जीत होती है, इस वक्त आपका क्या आंकड़ा है, जिस तरीके से आपकी तैयारी है और किस तरीके से आप प्रतिद्वंदी जो सामने हैं उनको किस तरीके से मात देने की कोशिश? देखिए, मैं चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ता हूँ, हम अपना प्रयास सबसे अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो लोग आके बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति 50,000 वोट से हार रहे हैं, मुझे तो जनता बोल रही है कि आप भैया आगे आओ और हम लोग 50,000 वोट से उस व्यक्ति को, लेकिन फिर भी ये जनता का जनमत रहता है, सिवनी की जनता डिसाइड करेगी। हम तो अपना प्रयास पूरा करेंगे, हर बूथ पे जाएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे और हम लोगों से सवाल भी पूछेंगे कि जिस विकास के नाम पे हमने वोट दिया था, क्या वो विकास हो पाया कि विनाश हुआ, ये हमारा सवाल रहेगा। और मैं स्पष्ट रूप से ये जो आकलन है कितने वोट से जीत हार होगी, जो भी होगा, मुझे इस बात का भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर मेहनत की है और जीत कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है, जनता की होने जा रही है। यकीनन तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा निकाली, आशीर्वाद यात्रा निकाली और अब देखना है कि आनंद पंजवानी को सिवनी की जनता कितना आशीर्वाद देती है। मैं हूं पंजाब केसरी अब्दुल काबिस और यकीनन तौर पर हर ताज़ा तरीन खबरों के साथ पुनः एक बार वापस आएंगे और आपको सिवनी के चुनाव से जुड़े हुए हर मुद्दों पर आपको जानकारी देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।